अमूमन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं बवाल कट जाता है। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाल फिलहाल में राहुल बाबा अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान बाकायदा कुर्ता पजामा पहनकर चंदन वंदन लगाकर वो मंच से भाषण दे रहे हैं। अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग नाम की पार्टी पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, जिसके बाद ये मुद्दा भारत में गर्मा गया और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ये मुस्लिम लीग पार्टी कितनी सेकुलर है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। Muslim League is a completely secular party. Right. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. सबसे पहले हम जानेंगे कि असल में मुस्लिम लीग नाम की पार्टी का गठन कब और क्यों हुआ। दरअसल 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक सभा आयोजित की गई। उस सभा में मुस्लिम लीग नाम की एक इस्लामिक पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का उद्देश्य था कि मुस्लिमों को राजनीतिक और बाकी के सारे सामाजिक अधिकारों की रक्षा हो सके, और साथ ही इस उद्देश्य के पीछे विचार ये भी था कि भारत को कभी भी अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा ना मिले, या साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत हमेशा अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहे, उसमें उन्हें फायदा था। और अगर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इस पार्टी को मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी के नेता रहे हैं। जैसे ही साल 1920 के लगभग मुस्लिम लीग ने भारत के अलग अलग प्रदेशों में अपने पैर पसारना शुरू किए, उस समय उनके एक नेता थे जिनका नाम था नवाब वक्कार उल मुल्क। नवाब साहब ने अपनी रैली के दौरान एक भाषण में कहा था, अल्लाह ना करे अंग्रेजी राज भारत में समाप्त हो जाए, नहीं तो हिंदू हम पर राज करेंगे और हमारी जान माल और धर्म को खतरा हो जाएगा। मुसलमानों को इस खतरे से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अंग्रेजी राज को जारी रखने में हम मदद करें। मुसलमानों को अपने आप को अंग्रेजी सेना समझना चाहिए जो ब्रिटिश क्राउन के लिए अपना खून बहाने और जान देने को तक तैयार हो। जैसे ही साल 1930 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना भारत आया और भारत आने के बाद उसे मुस्लिम लीग का नेता घोषित कर दिया। जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता बना, उसने देश के बंटवारे की बात करनी शुरू कर दी। हर बार अपने भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना यही बोलता कि इस देश में दो धर्म कैसे रह सकते हैं, लोगों की अलग अलग धर्म पद्धति है, साहित्य अलग है, कानून अलग है, इसीलिए देश को अलग अलग होना चाहिए। इसी दौरान साल 1940 में 23 मार्च के दिन मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ जो कि लाहौर में रखा गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान जिनकी धार्मिक सोच, सामाजिक रीति रिवाज, साहित्य और दर्शन अलग अलग हैं, ऐसी दो जातियों को एक राज्य में इकट्ठे बांधने से, जिसमें एक अल्पसंख्यक हो और दूसरा बहुसंख्यक, जिससे असंतोष ही बढ़ेगा और राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। जिसके चलते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के बंटवारे की अलग भारत के मुसलमानों में पैदा कर दी। उस समय तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं के इस तरीके के भाषण ये स्पष्ट करते हैं कि मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करना नहीं बल्कि भारत के दो टुकड़े करना था और एक और मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र को बनाना था। मुस्लिम लीग के नेता बनते ही मोहम्मद अली जिन्ना की भारतीय राजनीति में घुसपैठ बढ़ गई थी। इसी दौरान साल 1945 में भारत के प्रोविंशियल इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को लगभग 84% वोट मिले थे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि 84% वोट कितने ज्यादा होते हैं।
और इन सारे 84% मुस्लिमों की वोटों का यही आधार था कि भारत के दो टुकड़े होने चाहिए और एक नया इस्लामिक राष्ट्र बन जाना चाहिए। अब जैसे ही साल 1947 को भारत आजाद हुआ, तब तक मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के दो टुकड़े कर पाकिस्तान नाम का एक इस्लामिक राष्ट्र बना लिया था। लेकिन उस दौरान ये तय हुआ था कि मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान जाएंगे। मुस्लिम लीग के नेता लगातार एक अलग इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, बार बार हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1947 को भारत आजाद हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नए मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और इस देश के दो टुकड़े कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बार बार अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस मुस्लिम लीग की मैं बात कर रहा हूं, दरअसल वो केरला की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो केरला की राजनीतिक पार्टी है, उसके सीधे सीधे तार मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं। आजादी के बाद साउथ के मद्रास में, जो आज के समय पर चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां पर मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने 10 मार्च 1948 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन किया और उसका उद्देश्य भी वही था जो उद्देश्य मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग का था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतने तथ्यों को, इतने भाषणों को सुनने के बाद, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नाम की पार्टी पूरी तरह से सेकुलर थी? चाहे वो केरला की मुस्लिम लीग हो या फिर देश के बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।